तो हम लोगों ने कल टॉपिक शुरू किया था फूड एडिटिव्स का, इंक्लूडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, जिसके अंदर हम लोगों ने किए थे। तो कई फूड एडिटिव्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि क्या चीज़ होती है, उसके अलावा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फूड दो तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव को हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एक क्लास 1 प्रिजर्वेटिव और एक क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास 1 प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी जिनको बोलते हैं, या हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव भी इनको जो बोल देते हैं। सेकेंड जो टाइप का टॉपिक था, सॉरी क्लासिफिकेशन थी, वो थी क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, जहाँ पर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के अंदर हम जो कर रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में भी, वो क्या कितनी उसकी क्वांटिटी हमें प्रिजर्वेशन के लिए चाहिए होती है, और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किन चीज किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए पर ये अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है। तो उसके बाद अब भी आज इसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि अदर एसिड्स, जैसे बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड है, उसके अलावा नाइसिन है, और प्रोपाइनिक एसिड है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये, तो ये इनके बारे में कि ये कौन से किस तरह इफेक्टिवली काम करते हैं और किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ये अच्छे से अच्छे से काम करने वाले हैं, और इनकी लिमिटेशंस वगैरह क्या हैं। तो हम लोग सॉर्बिक एसिड से शुरू करते हैं। सॉर्बिक एसिड एंड और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी उनकी होती है, दे आर अवेलेबल एज सॉर्बिक एसिड, पोटाशियम सॉर्बेट, सोडियम सॉर्बेट एंड कैल्शियम सॉर्बेट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। साल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड्स आर यूज इन मैनी केसेज एज दे आर हाई सॉल्यूबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस सॉर्बिक एसिड देन डिजोल्व इन वाटर। मतलब साल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड्स हैं, बहुत से साल्ट्स होते हैं जो सॉर्बिक एसिड के, उनको यूज़ किया जाता है और वो हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, और डिजोल्व जब उनको वाटर में हम करते हैं तो वो सॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। पोटाशियम साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, पोटाशियम सॉर्बेट जो होता है, मच मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन एसिड। इसको हम मतलब काफ़ी अच्छी सॉल्यूबिलिटी होती है इसकी वाटर के अंदर, एज कम्पेयर टू एसिडी की अगर हम बात करें। अच्छा, दूसरा क्या है कि कोई ऑफ फ्लेवर को या इस तरह की चीज़ों को हम ऑफ फ्लेवर वगैरह के लिए ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मैक्सिमम लेवल ऑफ अगर हम लोग सॉर्बिक एसिड के यूज़ की बात करें तो 0.3% की इसकी लिमिट मानी जाती है, और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 6.5 पे अच्छी इफेक्टिवनेस इसकी रहती है, अच्छे तरीके बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है ये। और हम ये इसके अंदर क्या है, जो स्टडीज बताते हैं कि इफेक्टिवनेस इंक्रीजेज एज द पीएच डिक्रीज, जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होती है इसकी इफेक्टिवनेस है वैसे वैसे वो क्या है इंक्रीज होती रहती है। और ये अगर हम लोग बात करें इफेक्टिवली जो अगेंस्ट अगर हम लोग करें तो यीस्ट एंड मोल्ड के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव रहता है, और बाकी कुछ सेलेक्टेड बैक्टीरियाज के ऊपर भी ये जरूर है काम करता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा इफेक्टिव की बात करें तो यीस्ट एंड मोल्ड्स के ऊपर ये करता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो 0.025 to 0.1% लेवल इन चीज़, बेवरेज, फर्मेंटेड एंड एसिडिक वेजिटेबल्स, स्मोक्ड एंड साल्टेड फिश के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वाइन प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो सॉर्बेट्स को यूज़ किया जाता है, आर यूज टू प्रिवेंट रीफर्मेंटेशन, रीफर्मेंटेशन को रोकने के लिए, क्योंकि फर्मेंटेशन बेसिकली कहाँ से होती है, यीस्ट से होती है, और यीस्ट के ऊपर ये इफेक्टिवली काम करता है, तो इसलिए वाइन के अंदर रीफर्मेंटेशन को रोकने के लिए भी हम लोग इसको, इसके जो सॉर्बेट है इसको यूज़ करते हैं। तो सॉर्बिक एसिड के बारे में यही है कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम लिमिट अलाउड कितनी है, कितनी की रेंज इसकी यूज़ की जाती है, कितने टेम्परेचर पे, और ये यीस्ट एंड कौन से तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पे इफेक्टिवली काम करता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोपाइनिक एसिड। प्रोपाइनिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CH3CH2COOH होता है, और मोल्ड के ऊपर काफ़ी अच्छे से ये क्या कहते हैं, इसकी जो इनकी ग्रोथ को ये रोकता
रोकता है, रोकने के लिए इज पॉसिबल है। और रोपी जो ब्रेड है उसके लिए भी ये, के लिए जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे बेसिलस मिजेंटेरियस, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से इफेक्टिव, मतलब हर तरह के बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव नहीं रहता, लेकिन ये रोपी जो ब्रेड्स वगैरह इनके लिए जो इफेक्टिव मतलब रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ऊपर ये अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है। और इसका जो यीस्ट के ऊपर इसका कोई बहुत ज़्यादा ना के बराबर हम ये कह सकते हैं कि ये काम करता है, मतलब तो इसीलिए जहाँ पर यीस्ट अगर कोई इन्वॉल्व है फूड मटेरियल के अंदर हमारे, जहाँ पर यीस्ट के अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं करने के, वहाँ पर प्रोपेनिक एसिड को ऐड यूज़ करना कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता। प्रोपेनिक एसिड्स और उसके साल्ट्स हैं, जैसे सोडियम साल्ट, उसका सोडियम प्रोपेनेट है, कैल्शियम प्रोपेनेट्स है, अगर बात करें तो उसको USFDA ने एज ए ग्रास कैटेगरी के अंदर डाला। ग्रास कैटेगरी मतलब जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ कैटेगरी के अंदर इसको डाला है, और PFA ने भी इसको अलाउ किया है। प्रोपेनेट्स की जो अगर हम लोग मैक्सिमम लिमिट की बात करें काम करने की, तो 5.5 pH होती है, और ये चीज़ के लिए, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए और जैम जेली के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, उसके अलावा ब्रेड्स के अंदर इनको काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। और अगर टिपिक अगर हम लोग इसकी लिमिट की बात करें क्वांटिटी की, तो 0.2% इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है। द एसिड फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन बेकरी फील्ड भी में भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। और लेकिन प्रोपाइनिक एसिड को अगर हम लोग बात करें तो इसकी द टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोपाइनिक एसिड टू मोल्ड्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया इज रिलेटेड टू इस, ठीक है इतना हमें करना है, इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट ही कर देते हैं। तो प्रोपाइनिक एसिड के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की बहुत ही हम लोग कह सकते हैं वाइडली यूज होने वाला एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काफ़ी अच्छे तरह से इफेक्टिवली काम करता है। इसका जो सोडियम साल्ट है, जो सोडियम बेंजोइट जिसको बोलते हैं, उस वो काफ़ी अच्छे उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, और 170 की बजाय उसकी जो होती है 180 टाइम्स सॉल्युबल होता है, एज सॉल्युबल एज बेंजोइक एसिड। प्योर सोडियम जो बेंजोइट है वो टेस्टलेस है और ऑडरलेस होता है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्शन है जो बेंजोइक एसिड का, वो CO2 की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में काफ़ी अच्छे से काम करता है ये। और बेसिलस सबटाइल्स हैं, अगर इस तरह इस बैक्टीरिया के ऊपर ये काफ़ी अच्छे से इफेक्ट मतलब इसकी जो ग्रोथ है मतलब रोकने में इजीली ये क्या करता है, रोक सकता है, मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो इस बैक्टीरिया के ऊपर काफ़ी इफेक्टिवली ये काम करता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट यीस्ट एंड मोल्ड्स। अगर हम बात करें ओवरऑल की बात करें तो यीस्ट के ऊपर और मोल्ड्स के ऊपर ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे बेसिलस सबटाइल है इनके ऊपर ये इनको सर्वाइव नहीं होने देता, अगर इन प्रेजेंस ऑफ CO2 की प्रेजेंस के अंदर। तो इट डज नॉट स्टॉप लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। हाँ, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन को रोकने के लिए नहीं इसकी इतनी कैपेबल होता है। ये क्वांटिटी जो बेंजोइक एसिड की है वो नेचर के ऊपर, फूड के कौन सा फूड मटेरियल उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अगर एसिडिक है तो हमें बेंजोइक एसिड की क्वांटिटी कम की ज़रूरत पड़ेगी। जूसी जो जिनकी रेंज अराउंड pH होती है 3.5 to 4, उस तरह उसी रेंज पे ऊपर अराउंड ये क्या करता है, बेंजोइक एसिड है वो अच्छे तरीके से काम करता है। और इसकी जो क्वांटिटी है 0.06 से 0.1% सोडियम बेंजोएट को यूज़ करना उसको सफिशेंट माना जाता है। और अगर एसिडिक है कोई फूड, लेस एसिडिक है, मान लीजिए कोई फूड है जिसके अंदर की जो एसिडिटी है वो कम है, तो वहाँ पर pH जो उसकी रेंज है जिसकी क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ता है। अगर RTS बेवरेजेस की रेडी टू सर्व इसको हम बोलते हैं, जैसे जो हमारे सिंपल जूस वगैरह है ना, जो हम लोग ये स्लाइस वगैरह पीते हैं, इनको RTS बेवरेजेस वगैरह बोलते हैं। तो इसके अंदर जो इसकी परमिटेड लिमिट है वो 100 PPM है। और अगर कॉर्डियल स्क्वैश, स्क्वैश क्या है मतलब RTS बेवरेज क्या है, जिसके अंदर हमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम स्क्वैश वगैरह की बात करें तो हमें इसको पहले डाइल्यूट करना पड़ता है, इसीलिए
इसके अंदर इसकी क्वांटिटी 600 ppm होती है। बेंजोइक एसिड के साथ एक दिक्कत ये है कि ये डार्क कर देते हैं फूड को, तो इसीलिए इनको जो कलर्ड प्रोडक्ट हैं जैसे टोमेटो, जामुन, पोमेग्रेनेट, पाम, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, कलर्ड ग्रेप, इस तरह के फूड जूस वगैरह इनके अंदर इसको ऐड करना अच्छा मान ये सही रहते हैं क्योंकि डार्कन कर देते हैं कलर को। उसके अलावा ये टिन कंटेनर्स के अंदर इनको ऐड अगर कहीं पे पैकिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टिन के अंदर पिन होल्स है जो उसको बना देते हैं और इसके कारण अल्सो फॉर्म H2S जो गैस बनाते हैं जिससे क्या है जो एक स्मेल और करती है प्रोड्यूस करती है और ये आयरन है ऑफ टिन कंटेनर के उनके साथ रिएक्ट करके ब्लैक कंपाउंड बनाते हैं और जो दोनों ही चीज़ें हाईली अनडिजायरेबल है। हाँ जी सर, क्लास रिकॉर्ड कर रहा था सर, मैं एक बार सिमर से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ फिर नहीं करते बता देता हूँ। मैं आपको बस 10 मिनट का मेरा वो रह गया लेक्चर रिकॉर्ड वाला, फिर मैं कॉल करता हूँ आपको। उसके बाद है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हैं काफ़ी कंट्रीज के अंदर इनको यूज़ किया जाता है मीट क्योरिंग एजेंट के तौर पे और ये करेक्टरिस्टिक कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, टेक्सचर के लिए और प्रिजर्वेटिव एक्शन सभी चीज़ों के लिए इनको ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सोडियम नाइट्रेट्स हैं वो वाटर सोल्यूबल होता है और इसकी जो इफेक्टिवनेस है बिलो नेचुरल ये 7 है pH है उससे अच्छी रहती है। एंटीमाइक्रोबियल एक्शन भी इसका रहता है। तो उसके अलावा जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें नाइट्रेट्स के हैं वो बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट्स के अंदर और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम बैक्टीरिया जो है जो बॉटुलिनम बॉटुलिज्म पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हम ये कह सकते हैं कि पॉइजन पॉइजन क्रिएट करता है ये और जिसके कारण जो इंसान की डेथ तक हो सकती है उसके लिए इसको उस तरह के बैक्टीरिया को रोकने के लिए ये अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी कारण इसको पैक्ड वीट के अंदर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को मेनली यूज़ किया जाता है। रेड कलर को बनाने के लिए, रेड कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए भी नाइट्राइट्स को यूज़ किया जाता है। नाइट्रेट्स को कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट्स के अंदर और वो प्रोटीन मायोग्लोबिन जो है, प्रोटीन मायोग्लोबिन है उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन बनाते हैं और जिनको जब ड्यूरिंग कुकिंग जब उसको हम कुक करते हैं दिस चीज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक। मैं तो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, लाइव में तो बार बार बच्चे पूछ बोल रहे थे। अच्छा, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। नाइट्रोसो क्रोम और जो स्टेबल पिंक पिगमेंट जिसको हम कहते हैं कलर वो बनाता है, ठीक है। और पिंकिश कलर जो है मीट का वो एक फ्रेशनेस का एक सिंबल माना जाता है क्योंकि हमने देखा होगा जब हमारे स्किन पे भी चोट लगती है तो एक पिंक सी स्क्रीन स्किन हमारे आती है तो वो ऐसे लगता है कि चोट काफ़ी हरी है या मतलब कह देते हैं कि हरी है चोट, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होने लगती है वो डार्क कलर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मीट पैक्ड मीट की बात करें तो वो डार्क कलर है वो अनडिजायरेबल माना जाता है क्योंकि उससे फ्रेशनेस जो है वो सिंबल है वो नहीं होता, वो फ्रेशनेस का सिंबल नहीं होता, ठीक है। इसकी कुछ इसकी कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी के कारण अगर हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर लें तो इसके कारण इसकी जो एक्सेस यूज़ है वो काफ़ी कंट्रीज के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें USFDA की और FSSAI के अंदर तो इसकी जो पोल्ट्री और मीट इंडस्ट्री के अंदर इसके की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 200 ppm होती है और उसके अलावा नाइट्राइट्स हैं आप लोगों को बता ही दिया, फिक्सेशन वगैरह इसके कलर फिक्सेशन वगैरह के लिए भी काम आते हैं। उसके बाद हमारे हैं नाइसिन। नाइसिन इज ए पॉलीसाइक्लिक एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड है जो नेचुरली बनाया जाता है लैक्टोकोकस लैटिस की को कल्चर का बना के उनका उसका उसकी कल्चरिंग करके, ठीक है। और इसका बेनिफिट इसीलिए इसका जो ई नंबर है फेरोपिन नंबर जिसको हम बोलते हैं वो 1234 है, मतलब अगर आप पैकिंग पे कभी भी देखोगे 1234 तो इसमें से वो नाइसिन एज ए प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड किया हुआ। इसकी रेंज है 1 to 225 ppm इसके अंदर है
इसकी बेनिफिट इसके क्या है सबसे, एक तो नॉन टॉक्सिक है, नेचुरल है, हीट स्टेबिलिटी है इसकी, गुड स्टोरेज स्टेबिलिटी होती है, इसका कोई ऑफ फ्लेवर या ऑफ वाटर कोई प्रोड्यूस नहीं करता, और एंटीबायोटिक एंड नॉन क्लिनिकल इसकी एप्लीकेशन है। तो नाइस, तो हम लोगों ने कौन कौन से कर लिए, क्लास टू प्रिजर्वेटिव के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और हमारा सॉर्बिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, उसके अलावा नाइसिन। तो ये कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव है जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हम लोगों ने ये टॉपिक के अंदर क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ा कि फूड एडिटिव्स होते क्या हैं। फूड एडिटिव्स आप लोगों को बता दिया था उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि फूड एडिटिव्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं जिनको ऐड किया जाता है फूड के फ्लेवर को, टेक्सचर को, कलर को, उसकी प्रिजर्वेशन क्वालिटी को, अपीयरेंस को, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करने के लिए। अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स आपको दी थी, उसी फूड एडिटिव्स के अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं। उन प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली होते क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आपको बताई थी, क्लास वन प्रिजर्वेटिव, क्लास टू प्रिजर्वेटिव, क्लास वन यानी नेचुरल प्रिजर्वेटिव या हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव्स भी बोल देते हैं, क्लास टू जिनको आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी बोल देते हैं उनके अंदर डिफरेंस बता दिया था। क्लास वन प्रिजर्वेटिव्स के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो शुगर, साल्ट, जो हमारा विनेगर है जिसको एसिटिक एसिड 4% एसिटिक एसिड सोल्यूशन भी बोल देते हैं, अगर हिंदी भाषा में बोलें उसको, तो सिरका, उसको डालते हैं। क्लास टू प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं उसके अंदर आप लोगों को उसकी मैक्सिमम लिमिट्स भी आप लोगों को बता दी है और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में उनको बता दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके बाद लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिलेगा वो है फूड इरेडिएशन का, ठीक है भाई।